वेलकम टू SSC Easy। तो दोस्तों आप लोग सामने हाजिर हैं 400 बायोलॉजी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो पार्ट निकाल दिया जिसमें हमने कवर किया 100 क्वेश्चन। ओके, इसमें फिर से हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके CGL, CPO और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये इसमें जितना भी मैं बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा 100 वाला, दोस्तों ये क्वेश्चन का मैंने गलत टिक कर दिया था। ओके, ये मैं के बोलना चाहता था लेकिन विटामिन ई लिखा गया था। ओके, तो आप जानते हैं ब्लड कॉगुलेशन में विटामिन के यूजफुल होता है। ओके, तो आंसर होगा आपका विटामिन के। ठीक है, चलिए वैसे मैं कमेंट में भी लिख दिया हूँ ओके इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा 50 स्टार्ट होगा यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। दोस्तों इसे कहते हैं एंटीजन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डार्विन फिंचेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ, तो ये किसका ग्रुप का रेफर किया जाता है डार्विन फिंचेस? क्या फिशेस का, या लिजार्ड का, या बर्ड्स का, या एम्फीबियंस का? तो दोस्तों इसका आंसर है बर्ड्स। याद रखिएगा बर्ड्स का ग्रुप को कहा जाता है डार्विन फिंचेस। ओके, ये दो बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिविजन ऑकर्स आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ऐसा कौन सा टिश्यू है कि जिसमें सेल डिविजन नहीं होता है? ठीक है, तो वो है नर्व्स का। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, तो ये मेरे ख्याल से प्रीवियस जो 100 क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन था। ओके, तो इसका आंसर आप जानते होंगे वाटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर। दांत का प्रॉब्लम से जो रिलेटेड है, डिसऑर्डर से रिलेटेड है, वो कौन सा है? तो आप जानते हैं फ्लोरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो इसका आंसर है दोस्तों कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का अगर उसमें रहता है जिसके चलते एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो इसमें से कौन सा है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप जानते हैं लैम्फोसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सेम टू सेम क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो आप जानते हैं विटामिन के चलते होता है, तो ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, क्या होता है? देखिए जब भी आप जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो ब्लड का ये कॉर्पसल्स होता है जो ब्लड का, ओके, वो क्या होता है उसका इंक्रीज कर जाता है साइन। ओके, मतलब इंक्रीज कर जाता है लेंथ, ब्रेथ जो भी बोला जाए वो इंक्रीज कर जाता है साइज उसका। ओके, तो आपको याद रखना है इंक्रीज इन साइज। ओके, क्योंकि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेके जाना होगा, ठीक है, तो इसलिए उसका साइज इंक्रीज कर जाता है कि ताकि वो ज्यादा कैरी कर सके ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ टेस्ट ट्यूब बेबी मींस, मेरे ख्याल से ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आया था। ओके, तो आप जानते हैं एम्ब्रियो फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन यूटेरस, ठीक है, तो ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसमें क्वेश्चन था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूछा गया था, तो फर्स्ट उसको 2 मंथ के बाद क्या था, पहले उसको नॉर्मल लिया जाता है, 2 मंथ के बाद उसको फिर यूटेरस में डाल दिया जाता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो आप जानते हैं जिंक। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। राउंड वर्म इन ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन, तो कहां पे पाया जाता है ये?
ये आप जानते हैं कि ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बड़ा वाला अत्रि, हिंदी में क्या बोला जाता है उतना अच्छा क्लियर नहीं है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व के लिए रिच सोर्स कौन सा है? तो आप जानते हैं आयरन का मात्रा चाहिए हाई, ओके, दैट मींस क्या होगा, एप्पल आपका करेक्ट होगा, सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व बोला ना, तो आयरन का मात्रा नहीं चाहिए, मिल्क, मिल्क आपका करेक्ट है। आयरन का अगर बोला जाएगा, आयरन का मात्रा अगर ज्यादा चाहिए तो वो किसके लिए, एप्पल के लिए, बट यहाँ विटामिन बी ट्वेल्व बोला है, दैट मीन्स आपको मिल्क, मिल्क बहुत ही रिच होता है विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये प्रीवियस में भी आ चुका था, आप जानते हैं 46। नेक्स्ट चलते हैं। जीरोथैल्मिया इज अ डिफिशियंसी, जीरोथैल्मिया इज अ डिफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ, तो ये नॉर्मली आप लोग जानते हैं किसके चलते होता है, ये विटामिन ए के चलते होता है, ओके। तो याद रखिए, अगर आपको कंप्लीट करना, अगर रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे बैक्टीरिया कौन है, वायरस कौन है, फंगस कौन है, ओके, ये तीन आपको याद रखना होगा, फिर हेलमेंथिक है, प्रोटोजोआ है, ओके, ये आपको याद रखना होगा पांच चीज, किस कैटेगरी में कौन आता है, ओके। तो मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया है रेलवे पे, ओके, उसमें आप देखिए मैंने बहुत क्लियर में अच्छा में इसमें समझाया, ओके, तो आपको याद करने में तुरंत सुविधा होगा, आप देख सकते हो उसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स व्हिच इज रेफर्ड टू एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ओके। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये कहां पे रहता है, तो ब्रेन, अगर नॉर्मल ब्रेन दिया हो तो ब्रेन, ओके, अगर इसमें पूछा कि ब्रेन में किस पोजीशन पे रहता है, तो लोअर साइड में, लोअर साइड में ऑफ ब्रेन, ठीक है। दो क्वेश्चन, टोटल तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ओके, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या है, अ सिंथेटिक कंपाउंड इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दैट मींस ऑप्शन डी, ओके। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, तो हम जानते हैं बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर होता है, ग्लाइकोजिन के टर्म में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजिन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टल फॉर्म, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको आइसोलेटेड किया गया था प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से नहीं है, इसका रियल में था यूरीज, ओके, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, यूरीज इसका करेक्ट आंसर है, तो मेरे ख्याल से टाइपिंग में मिस्टेक होगा, इसी की जगह पे होगा यूरीज, URESE, तो ये फर्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म था, फर्स्ट एंजाइम था जिसको आइसोलेटेड किया गया था प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, तो आप जानते हैं एंजाइम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इज द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट, तो आप जानते हैं ये तो कौन सा करता है, ये किडनी करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आई, तो आप जानते हैं बैट अल्ट्रासोनिक का यूज करता है बैट, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डिफिशियंट इन, किस में डिफिशियंट हो जाता है, क्या चीज में कमी हो जाता है, तो जानते हैं कि कैल्शियम और आयरन का कमी हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, कौन सा करता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना हो, वायलेट और रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिंजर इज अ स्टीम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए मैं टारगेट है 18 मिनट में आपको खत्म करना, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं और डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, तो आप जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका टीनिया सोडियम टेप वॉर्म जिसको बोलते हैं, ओके, टीनिया सोडियम लिव्स एज अ पैरासाइट इन, किसमें रहता है दोस्तों, तो इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वुमेन, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, वो पूरा ऑल ओवर देख लेता है एंट, ठीक है, तो क्यों देख पाता है, क्योंकि उसका कंपाउंड आइज होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपाउंड आइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज एप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हार्ट बीट, तो भैया कितना टाइम जरूरी है, तो वो है आपका 0.8 सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा, लर्न, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी एल्गी, तो आप जानते हैं आयोडीन, सी एल्गी तो बोलेगा सी से आपको दिमाग में रखना आयोडीन निकलता है भाई, तो उसी से आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसमें से कौन सा है जो कि कॉम्पोनेंट नहीं है क्लोरोफिल का, ठीक है, तो वो है आपका कैल्शियम, ओके, कैल्शियम कॉम्पोनेंट नहीं है क्लोरोफिल का, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट प्रेजेंट, तो याद रखिए कैट में हार्मोन्स नहीं रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज, देखिए क्वेश्चन रह गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसमें आता है डेंगू, किसमें आता है, तो भैया डेंगू है वायरस में, बैक्टीरिया का बताया था ट्रिपल टी, टाइफॉइड, टेटनस और ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया का है, कुछ कुछ ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओके। प्रोटोजोआ का दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो मलेरिया है और दूसरा आपका क्या है कालाजार, और एक चीज पूछता है कालाजार किससे फैलता है, तो सैंड फ्लाई से, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, मलेरिया और आपका फंगस से रिलेटेड, आपको वायरस और बैक्टीरिया पे ज्यादा फोकस करना, प्रोटोजोआ में ये दो सही क्वेश्चन पूछता है और हमेशा पूछता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, इसमें से कौन सा बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपका क्या है एचडीएल, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, इट अफेक्ट्स, तो ये एक मतलब जेनेटिक बीमारी होता है जो कि अफेक्ट करता है आपको ब्लड को, ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर अ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, तो दोस्तों इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका, देखिए प्लांट, रैबिट एंड टाइगर, ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्प्रिवियस टू वाटर, तो इसमें से कौन सा है दोस्तों, आप जानते हैं किसके चलते आपका स्किन का लेयर ठीक होता है, देखिए ये होता है आपका कैरेटिन के चलते, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडेबल प्रोटीन आर, तो आप जानते हैं प्रोटीन सोयाबीन में सबसे मैक्स टू मैक्स होता है, ओके, एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है पर जिम के लिए मना किया जाता है इसको खाने के लिए, इसमें फीमेल हार्मोन ज्यादा होता है, ठीक है, हार्मोन ज्यादा होता है फीमेल हार्मोन। चलिए नेक्स्ट चलते, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो इसमें से कौन सा है वो, तो वो है वाटर हैसिंथ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यहाँ पे बोथ वन एंड टू बोलना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is correlated with blood pressure? इसमें से कौन सा है जो ब्लड प्रेशर से रिलेट करता है, तो वो आपका ऑप्शन है एड्रिनल, मतलब ऑप्शन डी एड्रिनल रिलेट करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
Which of the following structures present in mammalian skin directly helps in keeping the body warm? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा इसमें हेल्प करता है? ये होता है लैम्फ वेसल्स. ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू मिल्क. मिल्क से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. Which are the largest fixator of solar energy? इसमें से कौन सा? ठीक है, तो ग्रीन प्लांट ऑप्शन डी करेक्ट है. ये तो होगा नहीं. ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ग्रीन प्लांट्स. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर. तो देखिए, जब भी टिश्यू कल्चर बोले तो सबसे पहले आपको सोचना है कि टिश्यू से रिलेटेड होगा भाई. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए टिश्यू कहाँ पे, आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है क्लियर कट. साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, दैट मीन्स ऑप्शन सी. स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड, तो फील्ड क्रॉप को का स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों एग्रोनॉमी. याद रखिएगा एग्रोनॉमी, AGRONOMY, एग्रोनॉमी. ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, तो जानते हैं कैरेट ऑरेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स कैरोटीन. ओके, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बायो फर्टिलाइजर है, वो आपको सेलेक्ट करना है. तो आप जानते हैं अलगी एंड ब्लू ग्रीन अलगी आपका बायो फर्टिलाइजर है, ऑप्शन डी. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्टुअस डिजीज SARS. ठीक है, तो याद रखिए लास्ट में होता है एस से होता है सिंड्रोम. देखिए सिंड्रोम किसमें किसमें, सिम्टम्स इसमें खत्म, ये दोनों में सिंड्रोम और सिस्टम में खत्म. सिंड्रोम होता है लास्ट में, आपको याद रखना एस का मतलब लास्ट का. ठीक है, अब देखिए पहला एस, दूसरा क्या होता है? दूसरा देखिए आपको जैसा बोला, याद रखिए एस से सवियर दोनों में कॉमन है, सवियर एस एस हो गया. तो पहला एस है सवियर, दूसरा एस है सिंड्रोम, खत्म. अब देखिए ए से ही डिसीजन हो जाएगा क्या होगा, क्योंकि आर से तो सेम है, तो एक्यूट होता है. याद रखिएगा एक्यूट होता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ठीक है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन हमारा. ओके, 18 मिनट भी हम लोग का ओवर हो गया है. इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड, उसे कहते हैं वेक्टर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. तो ये हमारा 50 था. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा. टोटल हमने 150 कंप्लीट कर दिया है. ओके, थैंक यू.